तो आज हम कहानी सुनते हैं, क्या सुख क्या दुख। एक खरगोश अपना सामान उठाकर खुशी खुशी जा रहा था। उसे रास्ते में एक हिरन मिला। हिरन ने कहा, क्या बात है खरगोश मियाँ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो खरगोश ने कहा, मेरी शादी हो गई है। खरगोश ने बोला, बड़े भाग्यशाली हो भाई। हिरन ने कहा, शायद नहीं, क्योंकि मेरी शादी एक बहुत ही घमंडी खरगोशनी से कर दी गई है। उसने मुझे बड़ा घर, ढेर सारे पैसे और कपड़े मांगे, जो मेरे पास नहीं थे। बड़े दुख की बात है ना, हिरन ने धीरे से कहा। तो बड़ा मज़ा आने वाला है, आगे कहानी सुनिए। शायद नहीं, क्योंकि मैं उसे बहुत चाहता हूँ, इसीलिए मैं खुश हूँ, वे मेरे साथ तो है, खरगोश बोला। बड़ा मज़ा आएगा, कहानी सुनते रहिए। वाह, बड़े भाग्यशाली हो भाई, हिरन ने खुश होकर बोला। शायद नहीं भैया, क्योंकि शादी के अगले ही दिन मेरे घर में आग लग गई, खरगोश ने कहा। बड़ी दुख की बात है, हिरन बोला। शायद नहीं, क्योंकि मैं अपना सामान बाहर निकाल लाया और उसे जलने से बचा लिया, खरगोश ने बोला। अच्छा, बड़े भाग्यशाली हो भाई, हिरन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। नहीं भाई, शायद नहीं, क्योंकि जब आग लगी तो मेरी पत्नी अंदर सो रही थी, खरगोश ने बड़े उदास से कहा। ओह, ये तो बड़ी दुख की बात है, हिरन बोला। फिर से सुनिए, बड़ा मज़ा आ रहा है कहानी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कि मैं आग में कूद पड़ा और अपनी प्यारी पत्नी को सही सलामत बाहर निकाल आया। और जानते हो सबसे अच्छी बात क्या हुई हिरन भाई? इस घटना से उसे ये सीख लिया कि सबसे प्यारी चीज़ होती है जिंदगी। ऐसा घर, कपड़े हो या ना हो, लेकिन आपस का प्यार होना बहुत ज़रूरी है, खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा। हिरन को भी ये सुन के बहुत अच्छा लगा। दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई कहानी के साथ फिर से मैं आपसे मुलाकात करूँगी। थैंक यू। सब्सक्राइब टू माई चैनल।